हाय एवरीवन, वेलकम टू होम्स किचन। होम्स किचन में आज बनने वाली है मिक्स वेज रेसिपी। सिंपल मसालों से, सिंपल तरीके से हम मिक्स वेज बनाकर तैयार करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं मसालों से हम इनको बनाकर तैयार करेंगे जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। और बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बनती है। जैसे हम शादियों में मिक्स वेज खाते हैं, सेम टू सेम वैसी ही सब्जी हम बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी को जानने के लिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल होम्स किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। मिक्स वेज बनाने के लिए मैंने खूब सारी सब्जियां ले ली हैं। दो मीडियम साइज के आलू को मैंने कट करके लिया है, दो गाजर को कट करके लिया है। मैंने रेड कलर की गाजर ली है। आप चाहें तो मिक्स वेज बनाने के लिए ऑरेंज कलर वाली गाजर का भी यूज कर सकते हैं। एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और एक कप मैंने हरी मटर ली है। मैंने फ्रेश मटर ली है, आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। और दो मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज वाले। अब सब्जी को हम ऐसे ही नहीं बनाएंगे, हम पहले सब्जियों को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इनमें तड़का लगाएंगे। फ्राई करने से इनमें बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। सिर्फ मटर को हम फ्राई नहीं करेंगे, मटर को हम बॉयल करके लेंगे। तो सब्जियों को फ्राई करने के लिए मैंने एक कप ऑयल को गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें आलू फ्राई करेंगे। आलू के साथ ही हम इसमें गाजर भी डाल देंगे, क्योंकि आलू और गाजर दोनों ही हार्ड सब्जियां होती हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं फ्राई होने में, इसलिए दोनों को हम एक साथ ही फ्राई करेंगे। लगातार चलाते भी रहेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई कर लेंगे। हमने इनको पूरा फ्राई नहीं करना है, हमने इनको 70% तक कुक करना है, बाकी का 30% हम बाद में कुक करेंगे। तो बेहद ही लाजवाब डिलीशियस ये सब्जी बनती है फ्रेंड्स। मैं हर बार इसी तरीके से बनाती हूँ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आलू गाजर तो हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। हम इसको एक छलनी में निकाल कर रखेंगे। छलनी को हम थोड़ी देर के लिए एक बाउल पे रख देंगे, जिससे इनका जो एक्सेस ऑयल है वो सारा ड्रेन हो जाएगा, इससे हमारी सब्जी भी ऑयली नहीं बनेगी। अब हम गोभी को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, गोभी को मैं पहले शो नहीं कर पाई थी। गोभी का मैंने पूरा फूल लिया है छोटे साइज का, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। गोभी को फ्राई करते हुए फ्लेम को मीडियम रखेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो ओवर कुक अगर हमने इसको कर दिया तो सब्जी हमारी मैशी हो जाएगी। गोभी भी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। गोभी को भी हम 2 से 3 मिनट तक छलनी में निकाल कर रखेंगे। अब बारी आती है शिमला मिर्च को फ्राई करने की। शिमला मिर्च के साथ ही हम वो प्याज भी डाल देंगे जो हमने मोटे टुकड़ों में कट करके लिया था। अब 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इनको भी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि प्याज और शिमला मिर्च बड़े जल्दी पक जाते हैं, इसलिए 1 से 1.5 मिनट काफ़ी रहेगा इनको फ्राई करने के लिए। अगर आप सब्जियों को फ्राई करके नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इनको बॉईल करके भी बना सकते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने इनको फ्राई किया है। जो हार्ड वाली सब्जियां होती हैं उनको ज़्यादा देर के लिए बॉईल कर लें, और जो सॉफ्ट वाली सब्जियां होती हैं उनको कम टाइम के लिए बॉईल कर लें। लेकिन शादियों में हलवाई इसी तरह से फ्राई करके मिक्स वेज बनाते हैं। शिमला मिर्च और प्याज भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। सारी सब्जियों को फ्राई करने के बाद इतना सारा ऑयल हमारा बच गया है। अब दूसरे पैन में 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। ये वही ऑयल है जो सब्जियों को फ्राई करने के बाद बच गया था, उसी में से मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। 1 टीस्पून इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जीरे के अच्छे से चटक जाने के बाद डालेंगे प्याज। मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसको बारीक चॉप कर लिया है। लगातार चलाते हुए प्याज को गोल्डन होने तक पकाएंगे। एक प्याज को मैंने फ्राई करके लिया है और एक को मैं तड़के में डाल रही हूँ, तो मैंने टोटल 2 प्याज का इसमें यूज़ किया है। इस सब्जी को बनाते हुए हमने कोई भी खड़े मसाले का यूज़ नहीं किया है, सिंपल तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। फिर भी हमारी सब्जी बेहद ही टेस्टी डिलीशियस बनकर तैयार होने वाली है। आप भी एक बार इस तरीके से ये सब्जी ज़रूर बनाइएगा, आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो बातें करते करते हमारे प्याज भी गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने जो 2 टमाटर लिए थे उनकी मैंने प्यूरी बना ली है, इसको भी डाल देते हैं प्याज के साथ ही। साथ में ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने 10 से 12 कली लहसुन ली थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, दोनों को एक साथ ही मैंने पीस लिया है। लहसुन अदरक और टमाटर को भी अच्छे से पका लेते हैं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते भी रहेंगे। तो टमाटर हमारे पक चुके हैं। अब बारी आती है कुछ ड्राई मसाले ऐड करने की। 1 स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे,
सब्जी को चटपटा सा टेस्ट देने के लिए हाफ टी स्पून डालेंगे आमचूर पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला डालेंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 30 सेकंड्स तक इनको और पका लेते हैं। अब सब्जी को रेस्टोरेंट वाला शादियों वाला क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई। मलाई को मैंने फेंट कर लिया है, मलाई से बहुत ही अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आएगा सब्जी में फ्रेंड्स, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करना। अच्छे से मलाई को मसालों में मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे मटर, जो मैंने 1.5 कप मटर लिया था उनको मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छे से मटर को मसालों में मिक्स कर लेते हैं और 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए इनको भी पका लेते हैं, क्योंकि हमने मटर को फ्राई नहीं किया था, इनको हमने बॉईल किया है, तो इनके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 से 1.5 मिनट तक इनको इसी तरह से पका लेंगे। उसके बाद डालेंगे वो सारी वेजेस जो हमने फ्राई करी थी। बढ़िया से सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे, जेंटली हमने इनको मिक्स करना है क्योंकि हमारी सब्जियां 70% तक कुक हो चुकी हैं और गोभी तो बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है और वो टूटने लगती है, इसलिए इसको बड़े ही आराम से हल्के हाथों से मिक्स करें। सब्जी को मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको कुक करेंगे। इससे ज्यादा सब्जियों को ना पकाएं, नहीं तो सब्जियां ओवर कुक हो सकती हैं। बस 5 से 6 मिनट तक हम इनको पकाएंगे। 5 से 6 मिनट में सब्जियां हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो 5 से 6 मिनट हो गई हैं, अब हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हल्के हाथों से सब्जी को मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी कुक हो चुकी है, कितना अच्छा कलर और क्रीमी टेक्सचर हमारी सब्जी का आया है। आप भी मेरे तरीके से एक बार ये सब्जी जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स। इन सारी सब्जियों का सीजन भी है, सब सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर एक बार आपने इस तरीके से मिक्स वेज बना ली तो आपको ढाबा रेस्टोरेंट वाली मिक्स वेज भी फीकी लगेगी। मिक्स वेज को आप चपाती के साथ, पूरी के साथ या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बेहद ही यम्मी ये सब्जी बनती है फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आप ये सब्जी बनाएं तो अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।